भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के प्रभारी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के कर्मठ अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, अपना दल के अध्यक्ष माननीय श्री आशीष पटेल जी, निषाद पार्टी के अध्यक्ष श्री संजय निषाद जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी श्री अरविंद मेनन जी, माननीय सांसदगण श्री शिवप्रताप शुक्ला जी, रवि किशन शुक्ला जी, जयप्रकाश निषाद जी, कमलेश पासवान जी, विवेक ठाकुर जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, हमारे विधायकगण डॉक्टर राधामोहन दास अग्रवाल जी, श्री महेंद्रपाल सिंह जी, श्री फतेह बहादुर सिंह जी, श्री राम चौहान जी, विपिन सिंह जी, डॉक्टर बिमलेश पासवान जी, भारतीय जनता पार्टी के चिल्लूपार से प्रत्याशी श्री राजेश त्रिपाठी जी, सहजनवा से प्रत्याशी श्री प्रदीप शुक्ला जी, इंजीनियर श्रवण निषाद जी, पूर्व विधान परिषद सदस्य श्री विनोद पांडे जी, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विधायक श्री शीतल पांडे जी, पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, सांसद महंत बालकनाथ जी, प्रवीण निषाद जी, सीपी चंद जी और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, महायोगी भगवान गोरखनाथ की इस पावन धरती पर आज मुझे हमारी पार्टी के द्वारा गोरखपुर नगर विधानसभा क्षेत्र से नामांकन करने के लिए अधिकृत किया गया है और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आदरणीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का मैं इस अवसर पर देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को दुनिया के एक यशस्वी लोकतांत्रिक संगठन के रूप में खड़ा करने के साथ ही 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के गृह मंत्री के रूप में आपने अपनी जब पारी प्रारंभ की तो उस पारी के रूप में पहली सौगात दी थी और वह सौगात थी कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके देश से आतंकवाद पर नामो निशान मिटाने का,
और दूसरा जो कार्य है 500 वर्षों के इस इंतजार को, जिसमें हम लोगों की सैकड़ों पीढ़ियां खप गई थी, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का आज आपका गोरखपुर में इस आयोजन में आपका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के साथ ही गोरखपुर के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से देश के यशस्वी गृह और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रारंभ से था, लेकिन एक जीवंत संगठन होना चाहिए और अपने दम पर, अपने बल पर भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर के न केवल देश के सबसे बड़े राज्य में अपना वर्चस्व और अपनी ताकत का दिखाएगा। उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में माननीय अमित शाह जी ने जब 2013 में इस दायित्व का निर्वहन किया, तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 3/4 से अधिक सीट उत्तर प्रदेश विधानसभा की दिलवा करके उस समय अपने कुशल संगठन क्षमता और भारतीय जनता पार्टी की ताकत का एहसास अपने राजनीतिक विरोधियों को कराया था, और 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जब उत्तर प्रदेश के अंदर एक महागठबंधन बना था, देश और दुनिया के तमाम जितने भी राजनीतिक विश्लेषक थे वे सभी इस बात को मानते थे कि अब तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा यूपी में, और तब भी माननीय अमित शाह जी कहते थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 64 से 65 सीट से कम नहीं जीतेगी। और भाइयों बहनों, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने भारी सफलता प्राप्त करके 64 सीटें अपने सहयोगियों के साथ जीत करके महागठबंधन को पूरी तरह फेल कर दिया था। आज माननीय अमित शाह जी का सानिध्य हम सबको यहां पर इस अवसर पर प्राप्त हो रहा है। मैं आप सब की ओर से माननीय गृह और सहकारिता मंत्री भारत सरकार का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 5 वर्षों के दौरान भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास किया। सुरक्षा, आस्था का सम्मान, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिलाओं तक पहुंचाने और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य जो किया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में, माननीय श्री अमित शाह जी का मार्गदर्शन और उनका नेतृत्व, उनकी प्रेरणा निरंतर हम सबको प्राप्त होती रही, और आज उसका परिणाम है उत्तर प्रदेश और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के बारे में कोई भी व्यक्ति एक नकारात्मक टिप्पणी नहीं कर सकता। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, राजनीतिक प्रतिशोध हो सकता है, राजनीतिक टिप्पणी हो सकती है, लेकिन गरीब को बिना भेदभाव किसकी योजना का लाभ मिलना, गरीब को मकान मिल जाना, गरीब को शौचालय मिल जाना, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव के उसकी आस्था का सम्मान हो जाना,
और हर एक व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी दे देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिन दंगों से ग्रसित राज्य था उसमें एक चुनौती थी, लेकिन जब यशस्वी नेतृत्व होता है और निरंतर उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता है तो कठिन से कठिन चुनौती को भेदना भी बहुत आसान हो जाता है। और ये 5 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी संगठन ने, सरकार ने मिलकर के वही परिणाम आज उत्तर प्रदेश की जनता के सामने दिया है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा निरंतर हमें इन क्षेत्रों में प्राप्त होती रही। आज जब 5 वर्ष की अपने इस कार्यकाल के साथ ही एक नई अग्नि परीक्षा के साथ हम सब उतर रहे हैं, इस अवसर पर आज नामांकन के इस कार्यक्रम के अवसर पर भी माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को आज यहां पर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती पर माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और आगंतुक सभी अतिथियों का और आप सभी कार्यकर्ताओं का भी हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और विश्वास, हम सबका यही विश्वास होना चाहिए कि जो परिणाम उत्तर प्रदेश से अपेक्षित है उस परिणाम को देने के लिए हर एक कार्यकर्ता स्वयं में, अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का सिंबल बनकर के वह अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजयी प्रदान करने में अपना योगदान देगा। मैं आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में अपना दल के नेता माननीय श्री आशीष पटेल जी भी और निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर हमारे गठबंधन के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, वे भी आज इस अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मैं उनका भी हृदय से यहां पर स्वागत करता हूं। हमारे अन्य मान्य विधायकगण भी यहां पर आए हैं, डुमरियागंज से श्री राघवेंद्र सिंह जी हैं, सैजनवा से शीतल पांडे जी हैं, मैदावल से श्री राकेश सिंह बघेल जी हैं और भी अपने सिसवा से हमारे वहां के मान्य विधायक पटेल जी भी आज यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के आप सभी भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाने में अपना योगदान देंगे। आप सबको इस पूरे कार्यक्रम के प्रति लग करके, बढ़ करके और हम लोग बिना किसी रुके थके डिगे लक्ष्य को प्राप्त करने के समय अहर्निश प्रयास करेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। मौसम के विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप आए, क्योंकि कल सायंकाल से ही लगातार बारिश, रात्रि भर बारिश थी, सुबह भी बारिश थी और उस सबके बावजूद आप लोगों ने आए, माननीय गृह मंत्री जी का स्वागत किया, अभिनंदन किया, आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।